जब पिछले दिनों वो बदतमीज हमारे दोस्त सैनिकों के सिर कलम करके ले गया, मुझे याद आता है जंग कारगिल में जब हमने उनके सैनिक मारे तो हमने यहाँ उनका बड़ा कफन दफन करके विधिवत संस्कार किया। लेकिन जब वो बदतमीज हमारे सिपाहियों के अंग भंग करके वहां ले जाने की हिमाकत करता है तो जवाब तो देना चाहिए था देश की सबसे ऊंची कुर्सी सरदार मनमोहन सिंह जी को, लेकिन जब सरदार बेसरदार रहता है तो ये अब्दुल गफ्फार जवाब देने की हिम्मत करता है कि ओ मनमोहन मोहन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी। एक पत्रकार ने पूछा, मनमोहन सिंह जी आप बोलते क्यों नहीं? मनमोहन सिंह का जवाब था कि मेरी माँ ने बचपन में कहा था कि बेटे जब कोई चीज खाओ तो मौन रहा करो, चाहे कोयला ही हो। निवेदन करता हूं साहब कि ओ मनमोहन मौन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी, और जनता पूछ रही है तुमसे, बोलो जी कुछ बोलो जी। कि ओ मनमोहन मौन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी, जनता पूछ रही है तुमसे, बोलो जी कुछ बोलो जी। आज जुल्मों की इंतहा हुई है, जुल्मों की इंतहा हुई है, अमन चैन कब दोगे और पाकिस्तानी तरिंदगी का इंतकाम कब लोगे? यो मनमोहन मौन रहो मत, अब तो ये मुंह खोलो जी, जनता पूछ रही है तुमसे, बोलो जी कुछ बोलो जी। आज जुल्मों की इंतहा हो गई, अमन चैन कब दोगे, पाकिस्तानी दरिंदगी का इंतकाम कब लोगे? अरे वो देखो वो दगाबाज ने तीर हृदय पर छोड़ा है, वो देखो वो दगाबाज ने तीर हृदय पर छोड़ा है, वो देखो वो जालिम ने फिर से समझौता तोड़ा है, वो देखो वो सीमा पर फिर से भड़के अंगारे हैं और 20 भेड़ियों ने मिलकर 2 शेर हमारे मारे हैं। हालत बता रहा हूं कि वो देखो वो सीमा पे फिर से भड़के अंगारे हैं, 20 भेड़ियों ने मिलकर 2 शेर हमारे मारे हैं। तो ओरे ओ दिल्ली वालों, कुछ शर्म करो, आंखें खोलो और जो भाषा वो जालिम समझे वैसी ही भाषा बोलो। और वो भाषा क्या होगी? हो सकता है वो भाषा असभ्यता की सीमा भी लांघ जाए, लेकिन अगर जनता का आक्रोश क्रोध बनकर सामने आ जाए तो असभ्यता को माफ करना, क्षमा करना कविता की भले ही भाषा ना हो सकती है, लेकिन अगर आम आदमी की जबान हो तो ऐसी ताली बजाना कि मेरी आवाज दिल्ली के बहरे कानों तक पहुंचे। ओरे ओ दिल्ली वालों, ओरे ओ दिल्ली वालों, कुछ शब्द करो, आंखें खोलो, जो भाषा वो जालिम समझे वैसी ही भाषा बोलो। अरे या तो बदले में उसके 10-20 मार दो, नहीं डरो, या तो बदले में उसके 10-20 मार दो, नहीं डरो, या फिर चल ऊपर पानी में जाओ सालो डो मरो। या तो बदले में उसके 10-20 मार दो, नहीं डरो, या फिर चुल्लू भर पानी में जाओ जाके डूब मरो। अरे सूर्य पुत्र, हम सदियों से शक्ति की महिमा जानते हैं और भय भी प्रीत नहीं होती, ये मूल मंत्र पहचानते हैं। इतिहास खड़ा करना चाहता हूं साहब, सुनेगा क्यों क्यों आवश्यकता है कि सूर्य पुत्र हम सदियों से शक्ति की महिमा जानते हैं, सूर्य पुत्र हम सदियों से ताकत की महिमा जानते हैं, भय बिन प्रीत नहीं होती ये मूल मंत्र पहचानते हैं। नटवर नागर श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को मारा था, दशरथ नंदन श्री राम ने भी रावण संहारा था। कि नटवर नागर श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को मारा था, दशरथ नंदन करुणा नदी प्रभु महाप्रभु ने रावण को संहारा था। मगध राज राजा अशोक ने जब तक राज किया था जी, अपनी बलि भुजाओं से ही सुख स्वराज दिया था जी, तो चंद्रगुप्त की सीख और चाणक्य नीति यह कहती है, कि तलवारों की नोकों पर ही शांति सुरक्षित रहती है। कि चंद्रगुप्त की सीख और चाणक्य नीति यह कहती है, तलवारों की नोकों पर ही शांति सुरक्षित रहती है। इसीलिए अब हम कहते हैं, अब तुम भी यलगार करो
ओ मनमोहन मर्द बनो मर्दो जैसी हुंकार भरो। इसीलिए अब वक्त आ गया, अब तुम भी यलगार करो। ओ मनमोहन मर्द बनो मर्दो जैसे हुंकार भरो, वरना मत भारत की रातें, वरना मत भारत की उजली रातें यूं काली कर, वरना मत भारत की उजली रातें काली कर। दिल्ली का दरबार छोड़ दे, सिंहासन को खाली कर। अरे उस दिन पाकिस्तान नहीं ये अमेरिका घबराएगा, उस दिन पाकिस्तान नहीं ये अमेरिका घबराएगा, जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। उस दिन पाकिस्तान नहीं वो अमेरिका घबराएगा, जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। क्यों? अरे ये क्योंकि ये दुश्मन वो दुश्मन है जो बर्बर है, हत्यारा है। कौन वो दुश्मन? ये दुश्मन कौन? मोदी जी की आवश्यकता है? ये दुश्मन वो दुश्मन है जो बर्बर है, हत्यारा है। ये दुश्मन वो दुश्मन जिसने मानवता को मारा है, हमारे सैनिकों का अंग भंग करने की हिम्मत। अच्छा, ये दुश्मन वो दुश्मन है जो बर्बर है, हत्यारा है। ये दुश्मन वो दुश्मन है जिसने मानवता को मारा है। ये दुश्मन वो दुश्मन है जो करता रहा फजीता है, तीन तीन जंगे लड़ ली पर नहीं एक भी जीता है। ये दुश्मन वो दुश्मन है जो सीमा स्वयं छलांग रहा, हटी सुमित्रा नंदन वाली लक्ष्मण रेखा लांग रहा। इसीलिए वक्त आ गया, बारूदी बौछार करो और अग्नि शस्त्र जो रखे हुए हैं उनको आरंभार करो। निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिए अब वक्त आ गया, बारूदी बौछार करो। इसीलिए अब वक्त आ गया, बारूदी बौछार करो, अग्नि शस्त्र जो रखे हुए हैं उनको आरंभार करो। अरे या तो गुरु गोविंद सिंह सी ताल ठोकर बंद करो, ये तो गुरु गोविंद सिंह सी ताल ठोकर बंद करो, ये फिर अपने नाम के आगे सिंह लगाना बंद करो। या तो गुरु गोविंद सिंह सी ताल ठोकर बंद करो, या फिर अपने नाम के आगे सिंह लगाना बंद करो। अब सुनेगा क्यों? अरे ये पगड़ी जो सिर पे है इसका इतिहास अनूठा है। ये पगड़ी गुरु तेग बहादुर को प्राणों से प्यारी थी और ये राणा रणजीत सिंह के सपनों पर बलियारी थी। याद दिलाता हूं साहब, ये पगड़ी कौन सी पगड़ी जो पहने हुए हैं? अरे ये पगड़ी गुरु तेग बहादुर को प्राणों से प्यारी थी, ये राणा रणजीत सिंह के सपनों पर बलियारी थी। इसे बांधकर हरि सिंह नलवा करवाया करता था और इसे दूर से दे फिरंगी कश खा जाया करता था। ये पगड़ी गुरु तेग बहादुर को प्राणों से प्यारी थी, ये राणा रणजीत सिंह के सपनों पर बलियारी थी। इसे बांधकर हरि सिंह नलवा करवाया करता था, इसे दूर से देख फिरंगी कश खा जाया करता था। इस पगड़ी का सिख पंथ ने परचम ऊंचा फहराया, दशम गुरु गोविंद सिंह को शीर्ष शिखर पर बैठाया। ये हर किस भी झुकी नहीं थी मुगलों के दरबारों में, जिंदा बेटे चिने गए थे इस खातिर दीवारों में, इस खातिर वो जबरजियाला भगत सिंह कुर्बान हुआ। इस पगड़ी पे नतमस्तक ये सारा हिंदुस्तान हुआ, ये लंदन अल्बर्ट हॉल में ऊधम बल ललकार उठी, लाला लाजपत राय शीश पर रक्त सनी हुंकार उठी। तो ये पगड़ी प्रतिशोध नहीं ले, अब देखना चाहता हूं ताकत, ये पगड़ी प्रतिशोध नहीं ले, ये हरगे स्वीकार नहीं, ये तो पगड़ी थीली है, ये तू असली सरदार नहीं। ये पगड़ी प्रतिशोध नहीं है, ये हर के स्वीकार नहीं, या तो पगड़ी ढीली है या तू असली सरदार नहीं। अरे बंद करो उस बदतमीज की बचकानी हरकत सहना, बंद करो उस बदतमीज से डर के घर में चुप रहना। अरे कह दो उससे हिम्मत है तो आंख मिलाकर बात करे, अरे कह दो उससे हिम्मत है तो खुलकर दो दो हाथ करे। और अब उठा रहा हूं साहब, कह दो उससे हिम्मत है तो आंख मिलाकर बात करे, कह दो उससे हिम्मत है तो खुलकर दो दो हाथ करे।
कह दो उससे जनगणमन परिवेश नहीं डरने वाला, राणा और शिवाजी का ये देश नहीं डरने वाला। सुनेगा? कह दो उससे, कह दो उससे जनगणमन परिवेश नहीं डरने वाला, राणा और शिवाजी का ये देश नहीं डरने वाला। अरे योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं, योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं, और छिपकर हमले केवल कायर कुत्ते बोला करते हैं। योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं, छिपकर हमले केवल कायर कुत्ते बोला करते हैं। तो तुम कायरता छोड़, आज प्रलयंकर बनकर ढोल उठो, और एक बार बस एक बार मर्दों की भाषा बोलो। सुनेगा? अंतिम पंक्ति निवेदन कर रहा हूं साहब के, इसीलिए अब वक्त आ गया, अब तुम भी यलगार, इसीलिए अब वक्त आ गया, अब तुम भी यलगार करो। ओ मनमोहन मर्द बनो, मर्दों जैसे हुंकार भरो। कह दो उससे हिम्मत है तो आंख मिलाकर बात करें, कह दो उससे हिम्मत है तो खुलकर दो दो हाथ करें, कह दो उससे जनगणमन प्रवेश नहीं डरने वाला, राणा और शिवाजी का ये देश नहीं डरने वाला। योद्धाओं की हुंकारों से पर्वत डोला करते हैं, छिपकर हमले केवल कायर कुत्ते बोला करते हैं। तुम कायरता छोड़, आज प्रलयंकर बनकर डोल उठो, एक बार बस एक बार वीरों की भाषा बोल उठो। अरे एक बार कुछ ऐसा कर दो दुश्मन को ललकारे हम, अब उठाना चौथी पंक्ति पर हाथ। एक बार कुछ ऐसा कर दो दुश्मन को ललकारे हम, एक बार कुछ ऐसा कर दो उस रावण को मारे हम, एक बार कुछ ऐसा कर दो हृदय हमारा खिल जाए, एक बार यदि भारत की सेना को आज्ञा मिल जाए, तो फिर केवल दो घंटे में, तो फिर केवल दो घंटे में नाम निशान नहीं होगा, नक्शा तो होगा, नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।